करोड़ों बार कह चुके हैं, लेकिन जो हमारी आवाम है उनमें से कुछ लोग हैं जो सीरियसली नहीं ले रहे। फिलहाल देश की जो हालात हैं, दुनिया भर के जो हालात हैं, ये कोरोना के चलते, कोविड-19 वायरस के जो चलते हालत हुई है, इससे जूझने का, इससे लड़ने का फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूर रहने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं या मैं अकेला हूँ, मैं अपने घर में हूँ, आप अपने घर में रहिए, और यही एक तरीका है जिससे हम वी कैन बीट द कोविड वायरस, द कोरोना। बहुत लोग कहते हैं कि यार अपने बिल्डिंग तक चले जाते हैं या बाहर चौराहे तक चले जाते हैं, यार दोस्तों को हेलो बोल देते हैं, दूर से ही बोलते हैं, लेकिन जितनी बार आप बाहर कदम रखेंगे उतनी बार आपके ऊपर ये डेंजर रहेगा कि आप इस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करके घर लौटें, और जैसे ही घर लौटेंगे वो वायरस आप अपने परिवार वालों को भी दे देंगे। ये वायरस को तोड़ने का एक ही तरीका है, इस चेन को तोड़ने का यही तरीका है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। कोई दवाई कोई वैक्सीन है नहीं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है ये दुनिया ही ना बचे, क्योंकि ये कोरोना रियली रियली सीरियस है। ये ऐसा नहीं है कि यार ये फ्लू है, दवाई निकल जाएगी, वैक्सीन निकल जाएगी, उससे पहले शायद आधी दुनिया ख़त्म हो जाए। तो अपने लिए ना सही, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए ये कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस, एंड वी विल बीट द कोरोना वायरस टुगेदर। जय हिंद। केयर वर्ड, कोरोना वायरस की खबर नहीं, जानकारी।